हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम तान्या कुमारी है, मैं क्लास 9 की छात्रा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा कुमारी, मैं क्लास 9 की छात्रा हूँ। आज हम आए हैं मुजफ्फरपुर जिले के रेवा हाई स्कूल में। वहाँ जो बच्चे ग्रीन इंटरप्राइज के ऊपर इंटर्नशिप कर रहे हैं, चलिए चलते हैं उनसे कुछ बातें करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम तान्या कुमारी है, मैं क्लास 9 की छात्रा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा कुमारी, मैं क्लास 9 की छात्रा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम स्वीति कुमारी है, मैं क्लास 9 का छात्रा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं उजाला कुमारी हूँ, क्लास 9 का छात्रा हूँ। सर, मधुमक्खी पालन के बारे में पढ़ा है, उसे जानकर आपको कैसा लगा? सर, मधुमक्खी पालन के बारे में जानकर हमें बहुत अच्छा लगा, इसे समझने में कोई कठिनाई नहीं हुई। आपका इस इंटर्नशिप का सफर कैसा रहा? हमारा इस इंटर्नशिप का सफर बहुत अच्छा रहा, सर ने हमें पढ़ाया, इसे हमें समझने में कोई कठिनाइयाँ नहीं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम तान्या कुमारी है, मैं क्लास 9 की छात्रा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा कुमारी, मैं क्लास 9 की छात्रा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित कुमार है और मैं क्लास 9 में पढ़ता हूँ। आपको इस इंटर्नशिप के समझने में कोई कठिनाई हुई है? नहीं, हमें इस इंटर्नशिप समझने में कोई कठिनाई नहीं हुई है। हमारे राकेश सर ने मधुमक्खी पालन के बारे में बहुत विस्तार से समझाया है, हमें बहुत अच्छा लगा है। चलिए चलते हैं और सर से मिलते हैं, उनसे मिलकर कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। हेलो सर, मैं कृष्णा कुमारी, मैं क्लास 9 की छात्रा हूँ। हेलो सर, मैं तान्या कुमारी हूँ, मैं क्लास 9 की छात्रा हूँ। सर, आपका नाम? मेरा नाम राकेश कुमार है। आप किस जिले के रहने वाले हैं? मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाला हूँ। सर, आप हमें इंटर्नशिप के बारे में कुछ बता सकते हैं? इंटर्नशिप में आप यही जान सकते हैं कि हमारे पर्यावरण में आज जो इतनी पर्यावरण प्रदूषण हो रही है, इसमें मधुमक्खियों का बहुत सारा अहम भूमिका है। जैसे कि परागण की करने में, जैविक खेती करने में इसका अहम भूमिका है। इंटर्नशिप में ये सब आप लोग जान सकते हैं और इसको करने के बाद हमें क्या क्या उद्यमी में फायदा होगा, इसके बारे में हम विस्तारित बताएंगे। इस इंटर्नशिप करने के बाद रोजगार के अवसर मिल सकते हैं? जी बिल्कुल मिल सकते हैं, क्योंकि इस करने के बाद अच्छे से आप जान लीजिएगा, उसके बाद क्या हो सकता है कि आप अच्छे उद्यमी बन सकते हैं। और ये ऐसा उद्यमी है जो आप खुद करेंगे और दो चार को रोजगार मुहैया भी करवाएंगे। सर, इसके बारे में आप जानकारी दी, धन्यवाद। आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने अच्छे से जानने की कोशिश किया, और हमें भी खुशी